hello everyone we all welcome you in india's best learning platform upcoming ias and today we will discuss about the previous year questions and related concepts स्टूडेंट्स so, आपको पता है कि यूपीएससी में प्रीलिम्स में क्या इंपॉर्टेंस होता है नॉट ओनली इन प्रीलिम्स क्या इंपॉर्टेंस होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सो so, वही सीरीज हम आपके लिए लेकर आए हैं जिससे कि आप एनालिसिस कर सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का और आपको उससे पता लगे कि नेक्स्ट ईयर कैसा क्वेश्चन आने वाला है क्योंकि आपको पता है कि सब लोग ये कहते हैं कि करंट अफेयर्स बेस्ड है बहुत डिफिकल्ट आया था कुछ क्वेश्चन तो टच भी नहीं हो सकते थे सो so, उसके लिए ना यूपीएससी ऑलरेडी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में उनका हिंट दे देती है थोड़ा जेस्टर आपको प्रोवाइड कर देती है कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आने वाला है सो so, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो uh, अगर वो क्वेश्चन प्रॉपर एग्जैक्ट मैनर में क्वेश्चन नहीं भी पूछा गया लेकिन किसी स्टेटमेंट में क्वेश्चन गिवन है सो so उससे आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो क्योंकि उसके बारे में आपने पढ़ा है सो so, आज का टॉपिक है अबाउट द पोलर कोड एंड द क्वेश्चन गिवन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द पोलर कोड यहाँ पे चार स्ट्समेंट गिवन है उसमें बोला है कि पोलर कोड्स के बारे में कौन बिल्कुल एग्जैक्ट बताती है द फर्स्ट वन इज इट इज द इंटरनेशनल कोड ऑफ सेफ्टी फॉर सेफरेटिंग इन पोलर वाटर्स then it is the agreement of the countries around the north pole regarding the demarcation of their territories in the polar region see it is a set of norms to be followed by the countries whose scientists undertake research studies in the north pole in south pole and the last इट इस अ ट्रेड एंड सिक्योरिटी अग्रीमेंट ऑफ द मेबर काउंसिल ऑफ द आर्टिक काउंसिल अब स्टूडेंट्स देखिए ये भी काफी जो है हाँ माना करंट बेस्ड क्वेश्चन है और ये काफी क्वेश्चन ऐसे थे कि यू नो कि टच भी नहीं हो पाए थे स्टूडेंट्स से तो उनमें से एक है लेकिन इसमें से आप दो स्टेटमेंट को बहुत ईजिली एलिमिनेट कर सकते हैं वो कैसे अगर आप बी स्टेटमेंट को देखें तो उसमें बोला गया कि पोलर रीजन की जो टेरिटरीज है उन्हें डीमार्केट करने की बात करी गई है ये तो हम सबको पता है ये एक कॉमन सेंस वाली बात है कि जो पोलर रीजन है उसमें कोई भी टेरिटरीज को डीमार्केट नहीं किया गया उसकी कोई भी टेरिटरीज है ही नहीं

होगा और क्यों क्योंकि अभी एग्जाम में पूछा जा चुका है सो नेक्स्ट नेक्स्ट मतलब ईयर प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है या तो पोलर कोड से रिलेटेड कुछ पूछ लें और अगर वो एग्जैक्टली क्वेश्चन में ना हो जैसे इस बार तो डायरेक्ट पोलर कोड का क्वेश्चन आ गया सो मोस्ट प्रोबेबली है कि अगले साल पोलर कोड का क्वेश्चन नहीं आएगा हो सकता है कि किसी स्टेटमेंट के अंदर पोलर कोड्स के बारे में हो और फिर उसको यूज करके हम स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट कर सकते हैं अपना फाइनल आंसर निकाल सकते हैं सो इसीलिए ही हम आज पोलर कोड के बारे में समझेंगे सो ये इंटरनेशनल मेरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आई के द्वारा अडॉप्ट किया गया था जिससे कि जो भी किस में शिप ऑपरेशन होते हैं वो सेफली कंडक्ट कराए जा सके और हमारे को प्रोटेक्शन मिल सके और ऐसा क्यों करा गया क्योंकि देखो आपको ये तो पता लग गया कि अभी शिप से रिलेटेड इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हुआ क्योंकि आपको पता है जब भी शिप्स वहाँ से बहुत ज़्यादा इनकमपास होकर जाती हैं सो होता क्या है कि काफ़ी ना काफ़ी कभी ऑयल स्पिल हो जाता है कभी कुछ हो जाता है इसीलिए बोला जा रहा है कि सेफ्टी पर्पज़ के साथ साथ एन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को ध्यान में रखते हुए कंस्ट्रक्शन की अगर कोई भी वहाँ पर एक्टिविटीज़ हो रही है या फिर कोई भी इक्विपमेंट वगैरह लेकर जाया जा रहा है कोई ट्रेनिंग वहाँ पे हो रही है तो फिर अगर आपको पोलर एरियाज में शिप्स को रेस्क्यू करना है तो भी आप जो भी कंडक्ट करेंगे चीज़ें सब कुछ सारी की सारी पोलर कोर्स के अंदर रहेंगी और जो भी उसके प्रोविजन है जो भी उसके फंक्शन है वो आपको मानने पड़ेंगे ओके सो शिप्स से रिलेटेड है पोलर कोड कब आ, इन्फोर्स हुआ था सो फर्स्ट जनवरी 2017 में ये इन्फोर्स हुआ था इसलिए ये ज्यादा पुराना टॉपिक नहीं है सो so, मोस्ट लाइकली है कि एग्जाम में आए और अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो so, स्टूडेंट्स देखो डिस्चार्ज ऑफ ऑयल और ऑयली मिक्सचर्स फ्रॉम एनी शिप इन सी ये कम्प्लीटली कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड है बोला गया है कि सी के अंदर कोई भी आप ऑयल से रिलेटेड या फिर ऑयल मिक्सर से रिलेटेड उसका डिस्चार्ज नहीं कर सकते और अगर ऑयल स्पिल भी हो जाता है गलती से आपकी जो शिप्स हैं वो पलट गई हैं एंड ऑयल स्पिल हो गया तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस ऑयल को वहां से हटाने की ट्राई करें क्योंकि इससे होता क्या है ऑयल तो okay. so, बाकी प्रोविजन भी uh, है, लेकिन से मैं एक प्रोविजन के बारे में बात करना चाहूंगी सो so, चलो हम सभी प्रोविजन की बात कर लेते हैं so, इसमें यह है कि नॉन टॉक्सिक बायोडिग्रेडेबल लुब्रिकेंट्स आप यूज कर सकते हैं या फिर वाटर बेस्ड सिस्टम के जो लुबरी कैंसर वो आप यूज कर सकते हैं जिससे कि हमारी जो एक आ, मरीन डाइवर्सिटी है उसको इतना ज़्यादा लॉस ना हो और काफ़ी सारे ऐसे मेजर्स सभी कंट्रीज को खुद लेने पड़ेंगे जिससे कि वो इन्वेजिव एक्विटिव स्पीशीज है ना उनके रिस्क को मिनिमाइज कर सके क्योंकि शिप्स वहाँ से आती जाती इतनी ट्रैवल करती हैं इसीलिए उसके रिस्क को मिनिमाइज कर सके एंड द इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट विच आई एम टॉकिंग अबाउट इज डबल हेल एंड डबल बॉटम रिक्वायर्ड फॉर ऑल ऑयल टैंकर्स इसमें बात करी गई है कि सभी ऑयल टैंकर्स के लिए डबल हेल और डबल बॉटम रिक्वायर्ड है जिससे कि सेफ्टी पर्पज़ हो मेंट प्रोटेक्शन के बारे में ही बात करी गई है पर यहां पे आपको ट्रिक कर सकते हैं वो क्योंकि यहाँ पे ऑल ऑयल स्पिल्स के बारे में बात करी गई है ओके ऑयल ऑयल शिप्स के बारे में बात करी गई है सो अगर ये एज इट इज आपको स्टेटमेंट दे देगा और इसमें ऑल मैंशन है तो आप लोग क्या करोगे मोस्ट लाइकली कि एग्जाम में ऑल की वजह से देख के कि यह नेगेटिव स्टेटमेंट इसे गलत करके आ जाओगे सो so, इसीलिए ये जो ट्रिक्स होती हैं सभी जगह अप्लाई नहीं होती हैं और किन किन जगह अप्लाई होती हैं किन किन जगह अप्लाई नहीं होती ये हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो आउट है स्मार्ट एलिमेशन टेक्निक करके अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगी बस आप पूरी वीडियो देखना क्योंकि यही कुछ चीजें होती हैं जहां से आपको एलिमिनेशन टेक्निक यूज भी करनी है और बाकी स्टूडेंट से ज्यादा मार्क्स भी लेने हैं वरना बाकी लोग क्या करेंगे अगर यही वाली स्टेटमेंट आ जाएगी तो ऑल समझ के करेक्ट कर दे सॉरी इनकरेक्ट कर देंगे ओके गलत कर देंगे लेकिन ये करेक्ट स्टेटमेंट है और वहीं अगर हम अब डिस्चार्ज की बात करें तो आप, सीवड, जो सीवड होता है, वो आप इन जगहों पर नहीं कर सकते बट हाँ कुछ परमिटेड है सीवेज डिस्चार्ज कुछ परमिटेड है लेकिन अगर उसको प्रॉपर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर उसे प्रॉपरली ट्रीट करा गया तब आप उसे डिस्चार्ज कर सकते हैं अदरवाइज आप डायरेक्टली उसे डिस्चार्ज नहीं कर सकते ओके okay? और ना ही कोई डिस्पोजल अगर आपने करना है प्लास्टिक्स का तो आप प्लास्टिक्स वगैरह का भी डिस्पोजल नहीं कर सकते ये तो कम्पलीटली कम्प्लीटली प्रोहिबिट है ये तो सारे के सारे प्लास्टिक्स के जो प्र, प्रोविजन है वो बैन है और भी बहुत सारे यहाँ पर प्रोविजन देखें आपने समझना क्योंकि मैं आपको मेन मेन चीज़ें यहाँ चीज़ पर समझा रही हूँ और उसके बाद यहाँ पर बात करी गई है कि जो फूड वेस्ट होता है ना वो भी आप आइस के अंदर यू नो डिस्चार्ज नहीं कर सकते वो भी प्रोहिबिटेड है मीन्स यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसे कीवन है कि जो आप कर सकते हो और कुछ आप नहीं कर सकते सो हो सकता है अब इस बार एग्जाम में इन्हीं स्टेटमेंट्स में से कुछ घुमा फिरा के दे दे और आप लोगों को कन्फ्यूज़ कर दे इसीलिए ओके अब यहाँ पे लेकिन एयर पोल्यूशन और ग्रीन हाउस गैस एमिशन के बारे में तो कोई बात नहीं करी गई है और यही स्टेटमेंट हो सकती है कि वो पूछ ले क्योंकि भाई ये भी तो वहां के जो मरीन इकोसस्टम है उसे हैम्पर करेगा अगर वहां पे एयर पोल्यूशन होता है फिर ग्रीन हाउस गैस एमिशन होती है तो उससे क्या होगा वहां पर मेल्टिंग होगी फिर मेल्टिंग होने से क्या होगा ज्यादा पानी जाएगा तो भी स्पीशीज़ को प्रॉब्लम है तो यही सारे कुछ स्टेट्स में जहाँ से नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन बन सकता है और देखना आप लोग डेफिनेटली क्वेश्चन आने ही वाला है और अगर हम बात करें कि और क्या क्या चीज़ें प्रोहिबिटेड और प्रोहिबिटेड नहीं है तो देखो पोलो वाटर में अगर कार को एसडीडियो आपने छोड़ना है क्लीनिंग एजेंसी या फिर कुछ भी ऐसे उन उन्हीं को छोड़ सकते हो जो वहां पे हार्म ना करें जिनको आपने ऑलरेडी ट्रीटमेंट उनको दे कर चुके ओके okay? लेकिन जो ऐसे नॉक्शियस लिक्विड सब्सटेंस होते हैं या फिर कुछ ऐसे मिक्सचर जिसमें एनएलएस है आप उसको पोलो वाटर में नहीं छोड़ सकते प्रोहिबिटेड है ओके okay? अगर आप uh, को वाटर वाटर उस पोलर में छोड़ना है तो आप उसको एक बार uh, ट्रीटमेंट उसका करके फिर छोड़ना है जिससे कि वो ज्यादा हमारी बायोडावर्सिटी को नुकसान ना करे अदरवाइज आप रिलीज नहीं कर सकते हैं ओके सो आई होप आपको टॉपिक समझ आ गया हो और इस साल अट्ठाईस मई को डेफिनेटली आप पोलो कोर्स से रिलेटेड अगर कोई प्रॉपर क्वेश्चन नहीं देखते हैं तो आपको स्टेटमेंट में पोलो मिलेगा सो आप सभी लोग गलत मत करके आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ लिया है तो इसी के साथ हम अपने सेशन को यहीं एंड करते हैं और अब हम कल मिलेंगे एक नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ डू शेयर इट विद कैन देसो गेट बेनिफिट ऑफ दिस थैंक यू सो मच